स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आस्था कौशिक आपके साथ। सुबह के 11 बज चुके हैं, प्रदेश प्लस का ये वक्त है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आजमगढ़ की घटना पर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। दलित युवतियों से छेड़खानी के मामले में एक्शन लिया है सरकार ने। सीएम ने आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दे दिए हैं। महाराजगंज थाना प्रभारी को भी सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। पानी लेने जा रही युवतियों को पीटा गया था। आजमगढ़ में दलित बालिकाओं के साथ छेड़खानी के विरोध पर दलितों पर हमले की घटना में सीएम योगी बेहद सख्त हो गए हैं। तो दलित युवतियों से छेड़खानी के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश दे दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आजमगढ़ की घटना पर सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाया है। महाराजगंज थाना प्रभारी को भी सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। प्रदेश के सभी पुलिस कप्तानों को सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि कहीं भी सांप्रदायिक या जातीय घटना हुई तो होगी इंस्पेक्टर और सीओ के खिलाफ कार्रवाई। एसपी जवाबदेह होंगे। अधिकारियों की जवाबदेही कर दी है यहाँ सीएम ने। महाराजगंज थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है और भविष्य में यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसके लिए पुलिस महकमे को भी जिम्मेदारी दे दी है। अब वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर। वीरेश, तफसील से बताएं, बेहद सख्त रुख अपनाया है यहां पर सीएम ने और इतना ही नहीं भविष्य में भी ऐसी घटनाओं के लिए पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है। देखिए, आजमगढ़ की घटना है, दलितों के साथ अन्याय हुआ और एक संप्रदाय विशेष ने किया और मामला ये था कि ट्यूबवेल पर पानी लेने जा रही दलित बालिकाओं के साथ कथित रूप से छेड़खानी की गई और विरोध करने पर दलितों को बुरी तरीके से मारा पीटा गया। जब ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री ने खुद जौनपुर के एसपी से बात की और उसे कहा कि कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन जो ढीला धवाली देखने को मिला उसके बाद से मुख्यमंत्री काफी सख्त रहे और आज टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने खुद बात की जौनपुर के एसपी से और कहा कि पूरे मामले में हुआ क्या, लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान लेते ही और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान लेते ही 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम है परवेज, फैजान, नूर आलम, सदरे आलम, ये जो जो मुख्य आरोपी, इनको गिरफ्तार किया। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक से प्रदेश के सभी जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, उन्हें कहा है कि अगर कहीं भी जाति या सांप्रदायिक घटना होती है तो सीधे तौर पर इंस्पेक्टर और सीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एसपी एसएसपी उसके लिए जवाबदेह होंगे। जी हाँ, बड़ी बात यहाँ पर निकल के सामने आई। ना सिर्फ मौजूदा मामले में सख्त एक्शन लिया गया है बल्कि भविष्य में भी यदि कोई सांप्रदायिक घटना इस तरीके की होती है तो उस मामले में इलाके के सीओ एसपी की जवाबदेही तय होगी, उन लोगों से पूछा जाएगा, उन लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ की घटना पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। मामले में गिरफ्तारी हो गई है उन लोगों की जिन्होंने दलित युवतियों से छेड़खानी की थी। बड़ी खबर इस वक्त की, आरोपी परवेज फैजान समेत सभी पर अब एनएसए लगाया जाएगा। शुक्रिया वीरेश अहम अपडेट के लिए। उधर लॉकडाउन में मजदूरों पर बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अब एफिडेविट मांगा है, 4 हफ्ते में यह हलफनामा दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है उद्योग और मजदूर एक दूसरे पर निर्भर है, वेतन पर दोनों समाधान की कोशिश करें। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र से हलफनामा मांगा है, 4 हफ्ते का समय दिया गया है कि उसमें केंद्र सरकार एफिडेविट फाइल करे। और ये बात भी कही गई है कि उद्योग और मजदूर ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों पक्ष समाधान की कोशिश करें, वेतन को लेकर समाधान निकालने की कोशिश की जाए, ये कहना है अब सुप्रीम कोर्ट का। और अगर विवाद नहीं सुलझता है तो श्रम विभाग की मदद ली जाए, लेबर डिपार्टमेंट मदद करे, ये भी रास्ता सुझाया है सुप्रीम कोर्ट ने। लॉकडाउन में मजदूरों पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के भीतर हलफनामा मांगा गया है। किसी उद्योग पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और ये भी वक्तव्य दिया कि उद्योग और मजदूर दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और इसीलिए दोनों पक्ष समाधान की कोशिश करें, विवाद नहीं सुलझा तो श्रम विभाग की मदद ले। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, लॉकडाउन में दरअसल मजदूरों के और श्रमिकों के साथ जो हुआ, जिन राज्यों में वो काम कर रहे थे उन्हें छोड़कर जाना पड़ा, कोई व्यवस्था उनके लिए नजर नहीं आई, पैदल ही निकल पड़े, कई 100 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये मजदूर पहुंचे, इनके लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, बहुत सारी फैक्ट्रियों और उद्योगों जहां ये काम कर रहे थे उन्होंने तनख्वाह नहीं दी,
खाने पीने के लाले पड़ गए, इसीलिए ये लोग अपना सामान बच्चे परिवार लेकर पैदल ही निकल पड़े थे। उसे लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, क्योंकि अब उद्योगों के खोलने का वक्त है तो मजदूर पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं या पलायन कर चुके हैं, तो ऐसे में ये बड़ा मामला जो है उसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा ने 69,000 शिक्षक भर्ती में लापरवाही का एक और खुलासा किया है, और जिसके बाद बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि शिक्षक भर्ती का आखिर होगा क्या, क्योंकि भर्ती पर हाईकोर्ट स्टे लगा चुका है जिस पर आज फिर से फैसला आना है। एबीपी गंगा की नजर उस फैसले पर बनी हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान के बाद हमारी पड़ताल में एक और बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसे लापरवाही तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ से कम नहीं, किसी गुनाह से कम नहीं। अब खुलासा हुआ है कि जनवरी में ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उस गैंग को यूपीएसटीएफ ने भी दबोचा था, लेकिन उसके बाद भी परीक्षा रद्द नहीं की गई। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के आने वाले फैसले की कि क्या भर्ती पर स्टे लगेगा या नहीं। तो कुछ ही देर में शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा, जिससे पहले कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सुनवाई हुई थी, सरकार भर्ती प्रक्रिया को जारी रखना चाहती है और हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जब ये फैसला रिजर्व रख लिया गया और आज ये फैसला सामने आएगा। कुछ देर में शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला सबके सामने आ जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसे अपने आप में एक गड़बड़ झाला और ये कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा क्या कुछ नहीं कहा जा रहा, क्योंकि इतने मामले इससे जुड़े हुए सामने आ गए। कभी पेपर लीक की बात सामने आई, कभी आंसर की में मिस्टेक है उसे लेकर जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट पहुंच गए, कभी चीटिंग की बात सामने आई, और अब बड़ा खुलासा एबीपी गंगा ने किया है कि पेपर तो जनवरी में ही लीक हो गया था। एसटीएफ के पास इसकी जानकारी भी थी, लेकिन फिर भी पेपर को रद्द नहीं किया गया। शैलेश अरोड़ा से अपडेट लेते हैं। शैलेश, कितनी देर में फैसला आ जाएगा हाईकोर्ट से? सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या स्टे लगेगा या फिर भर्ती चालू रहेगी। आशा देखिए, उम्मीद लगाई जा रही है कि 12 बजे के आसपास इस मामले में कुछ फैसला आ सकता है। बहरहाल सभी की निगाहें अभी टिकी हुई हैं, क्योंकि जो ऑर्डर है वो 8 तारीख को ही रिजर्व हो गया था। 9 तारीख को जो रिटर्न सबमिशन था, जो अभ्यर्थी पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से, वो भी दाखिल किया जा चुका है और अब बस सिर्फ फैसला सुनाया जाना बाकी है। तो उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे के आसपास कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। बहरहाल चाहे राज्य सरकार हो चाहे अभ्यर्थी, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। और अभ्यर्थियों में भी सिर्फ वो नहीं जो मेरिट सूची में शामिल हैं, बल्कि वो अभ्यर्थी जो मेरिट सूची में नहीं शामिल हो पाए हैं उनकी निगाहें भी इस फैसले पर टिकी हुई हैं, या ये कहें कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हर व्यक्ति इस फैसले पर निगाह लगाए बैठा हुआ है इस समय कि आखिर कोर्ट अपना क्या फैसला देती है। बहरहाल फिर ये अभ्यर्थी ये चीज भी मन में अपने सोच के बैठे हुए हैं कि अगर कोर्ट का फैसला सरकार के साथ होता भी है तो भी अड़चने खत्म नहीं होंगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, मामले की परीक्षा को लेकर जांच भी चल रही है। ऐसे में अगर कोर्ट इस स्टे को हटाती भी है, हालांकि ये कोर्ट का फैसला होगा वो क्या करती है, लेकिन अगर हट भी जाता है तो भी दोबारा काउंसलिंग शुरू करना इतना आसान नहीं होगा, अब जो परिस्थितियां बन चुकी हैं। तो देखते हैं फिलहाल कि कोर्ट किस तरह का आदेश देती है, क्या आगे निर्देश देती है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर। इस पर सभी की समय आस्था निगाहें लगी हुई है, वाकई सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस भर्ती को लेकर कोर्ट क्या आदेश देती है। लेकिन शैलेश, जितने गड़बड़ झालों का खुलासा इस मामले में हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह कि एबीपी गंगा ने जो ताजा खुलासा किया है कि जनवरी में पेपर लीक आउट हो गया था, एसटीएफ के पास जानकारी थी लेकिन फिर भी उसको रद्द नहीं किया गया। बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, ये बहुत ही कह सकते हैं अजीब स्थिति है जहां पर मंत्री को ही चीज़ें नहीं पता होती हैं, और ये पहला प्रकरण नहीं है। इससे पहले जिस दिन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले 5 जून की तारीख भी हम याद दिलाएं आपको अनामिका, जब अनामिका शुक्ला वाले कांड का भंडाफोड़ हुआ था, उस दिन सुबह तक जब हमारी बात होती है मंत्री से तो ये कहा जाता है कि इस तरह का मामला ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उसको हल्का करके प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब एबीपी गंगा ने मामले को बहुत ज़्यादा उठाया, उसके सारे एविडेंस को सामने रख दिया, तो उसके बाद दोपहर में मंत्री बोलते हैं कि नहीं, ऐसा मामला है।
है। हालांकि ये बयान जो था वो चेहरा कह सकते हैं मंत्री था, लेकिन अधिकारियों से ही जानकारी लेकर वो दे रहे थे, यानी अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अगर 69,000 की भर्ती को देखें तो मंत्री जो है इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बयान दिया तो उस समय उन्होंने बताया कि फरवरी में शिकायत आई थी और उसके बाद मई में जाकर चीजें, फरवरी में पैसा लिया था माफ कीजिएगा और मई में जाकर उसकी शिकायत हुई और चीजें हुई, तो बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होगा। लेकिन हकीकत तो अलग ही थी, वो तो जब परीक्षा हुई 6 जनवरी 2019 तभी पेपर लीक के मामले सामने आ चुके थे। हालांकि उस समय विभागीय मंत्री अलग हुआ करते थे, अधिकारी कुछ उसमें नए आ चुके हैं उसके बाद कुछ पुराने, लेकिन सिस्टम तो वही है। क्या रिकॉर्ड्स आपके गायब थे जो आपके पास ये जानकारी नहीं थी? तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठाता है और ये साफ जाहिर करता है कि इस पूरे मामले में अब विभाग के चाहे अधिकारी हो या बाकी जिम्मेदार, उनकी कोशिश जो है वो मामले को रफा दफा करने या दबाने जैसी नजर आती है, नीयत जो है वो बहुत अच्छी नहीं लगती। तो देखना होगा बहरहाल आगे क्या होता है। अब तो मामला इतना उठ चुका है, कोर्ट में मामला चल रहा है एक तरफ भर्ती को लेकर, दूसरी तरफ एसटीएफ की जांच चल रही है, तो देखना होगा कि अब आगे और कौन कौन से इस पूरे प्रकरण में नए मोड़ आते हैं, कौन कौन से नए खुलासे होते हैं, क्योंकि रोज कुछ नया इसमें सामने आ रहा है फर्जीवाड़े को लेकर। और यह साफ हो चुका है कि प्रदेश भर में जो जी वाकई शैलेश की 69,000 भर्तियां, बंपर भर्तियां, जहां एक साथ इतने टीचर्स रिक्रूट करने की बात थी, उसमें सब कुछ इतना आसान, इतना सिंपल या ऊपरी तौर पर जो दिखता है पारदर्शी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नजर बनाए रखिए, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा अपनी नजर उस पर लगातार बनाए हुए हैं। अब प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जानेंगे पेपर लीक का किस तरह से खुलासा हुआ है। मोइन, सिलसिलेवार तरीके से बताइए आखिर कैसे पेपर लीक का पता चला और जनवरी में इसकी जानकारी सामने आ गई थी, एसटीएफ के पास थी, पर फिर भी इस पेपर को रोका नहीं गया, रद्द नहीं किया गया, होने दिया गया। जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ का एक अभ्यर्थी है राहुल सिंह, पिछले हफ्ते जब उसने पुलिस में कंप्लेन की तब पुलिस ने केस रजिस्टर्ड कर इस मामले की जांच आगे बढ़ाई। पहले ये मामला सीधे तौर पर ठगी का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई वैसे वैसे परत दर परत खुलती चली गई और दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आई। पहली ये कि प्रयागराज में इसका पेपर लीक किया गया था, पेपर लीक करके सिर्फ इस ज़िले तक ही नहीं बल्कि 16 से 17 ज़िलों के अलग अलग सेंटर्स तक भेजा गया था। खुद प्रयागराज के जो एसएसपी हैं सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, उन्होंने मीडिया को दी गई बाइट में ये बात कही थी कि पेपर लीक करके उसे ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए आंसर शीट जो है वो अभ्यर्थियों को दी गई थी, उसके साथ ही साथ कुछ चेकदार रुमाल पर आंसर लिख करके वो अभ्यर्थियों तक पहुंचाए गए थे। एक बात और बोली गई थी कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो कैमरे के पिछले हिस्से पे खड़े होकर कुछ जगहों पर इमला बोलने के भी आरोप लगे थे। तो पुलिस ने जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ाई, दायरा आगे बढ़ता चला गया और जो मास्टरमाइंड है गिरोह का सरगना केएल पटेल, जो कि झांसी में मेडिकल ऑफिसर है और मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में जेल जा चुका है, जब इस तरह के रैकेट का पता चला तो प्रयागराज पुलिस ने इस मामले की जांच एसटीएफ से कराए जाने की सिफारिश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ को 3 दिन पहले ही सौंप दी है। एसटीएफ ने कल से इस मामले में अपना काम शुरू कर दिया है, पड़ताल शुरू कर दी है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अब तक 11 लोग जेल भेजे जा चुके हैं, इन 11 लोगों में 2 टॉपर भी हैं जिनको 150 में से 142 और 143 नंबर मिले थे और इन्होंने तकरीबन 8 लाख रुपए देकर ये परीक्षा पास की थी। तो बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, पुलिस को अंदेशा है कि कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह से पैसे लेकर पास कराए गए और इतने की संख्या तो गिरोह से जुड़े लोगों ने कबूल ली है, जबकि आशंका इस बात की जताई जा रही है कि यह संख्या कई सौ की संख्या जो है वो पार कर सकती है। तो कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, बहुत बड़ा रैकेट था जिसने पूरी परीक्षा में, पूरी भर्ती में जबरदस्त तरीके से सेंधमारी की और सरकारी अमला कहीं ना कहीं आंख मूंद करके बैठा रहा, बेपरवाह बना रहा, लापरवाह बना रहा। अगर उसी वक्त इस पर शिकंजा कसा जाता, जब पेपर लीक की शिकायत आई थी, चर्चाएं थी, अगर उसी वक्त कार्रवाई की जाती तो शायद मामला इतना ना बिगड़ता, शुरुआती दौर में ही इस पर अंकुश लगाया जा सकता था। बिल्कुल बिगड़ता बल्कि कह लीजिए उलझता। क्या आरोप है जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती पर नहीं लगे हैं, चाहे वो चीटिंग का आरोप हो, पेपर लीक का आरोप हो, लापरवाही का आरोप हो और क्वेश्चन गलत आए, इन सब का आरोप हो, कितने रैकेट, कितने सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं, अलग अलग लेवल पर इनकी जांचें हुई हैं। हाई कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। मोइन, कितनी देर और
क्योंकि सरकार चाहती है भर्ती जारी रहे। देखिए जैसा अभी देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से फैसला सुनाया जा रहा है। जैसे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा बता रहे थे कि दोपहर 12 बजे के आसपास फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन फैसले को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक वो अभ्यर्थी हैं जिनको काउंसलिंग में जिनका नाम आया है, जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, उनकी संख्या तकरीबन 1,36,000 है। वो ये चाहते हैं कि जैसे जो भी गड़बड़ी हुई अब कम से कम भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाए, उनका नाम एक बार आया है, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा दोबारा हो या मेरिट दोबारा बने तो उनका नाम बाहर हो जाए। तो वो ये चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, जबकि बाकी जो अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या लगभग 3 लाख के आसपास हो चुके हैं, वो ये एक धड़ा ये चाहता है कि कॉम्पिटिशन ये जो एग्जाम है वो दोबारा हो क्योंकि उसमें इतने फर्जीवाड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और तबका है जो चाहता है कि भाई हमने मेहनत से पेपर दिया था तो हम लोगों को एटलीस्ट अब प्रोसेस में आगे ले जाया जाए, दोबारा परीक्षा की नौबत ना आए। रुक करते हैं शैलेश अरोड़ा का, लखनऊ से हमारे साथ हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे के आसपास ये फैसला आ सकता है। 10 बजे इस पर सुनवाई होनी थी शैलेश, लगभग 1 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है, कितने बजे के लिए अभी ये मामला लगा हुआ है और कब तक माना जाए कि तस्वीर साफ हो जाएगी? आस्था देखिए अगर सूत्रों की माने तो मामले पर जो है वो क्योंकि सिर्फ फैसला आना है, देखिए सुनवाई वाली स्थिति अभी नहीं है, ऐसे में कोर्ट किसी भी समय अपना फैसला जो है वो डिलीवर कर सकती है क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी रिजर्व था इस पे, तो किसी भी समय अब ये फैसला सुनाया जा सकता है। 12 बजे का एक जो वकील हैं इस केस से जुड़े उनका कहना है कि 12 बजे के आसपास फैसला पूरी तरह सामने आ जाएगा, हालांकि ये भी संभव है उससे पहले ही कोर्ट अपना फैसला इस मामले में सुना दे। लेकिन जैसा अभी हमारे सहयोगी मोइन बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कितनी उलझी हुई है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, वो किसी से छुपा नहीं है। एक यूपी बोर्ड की परीक्षा का उदाहरण लीजिए कि 50 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं उसमें पूरे प्रदेश में, और उस परीक्षा में जबकि वो कोई नौकरी की परीक्षा नहीं है, वो क्वालिफिकेशन की परीक्षा, यानी आप क्लास उत्तीर्ण होंगे अगली क्लास में जाएंगे और उस परीक्षा के लिए जो इंतजाम होते हैं आप अगर देखें तो एक कमरे में 2 CCTV कैमरे लगवाना, वॉइस रिकॉर्डर लगवाना कि कोई इमला बोल के वहां पे नकल ना करवा सके, इसके अलावा कितनी सख्ती होती है, किसी से नहीं छुपी है, सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम और ना जाने कितनी व्यवस्था हम लोग दिखाते। और जब बात आती है बेरोजगारों को रोजगार देने की, जहां पर सीधे बात है नौकरी यानी पूरा भविष्य उसमें रखा हुआ है, वहां पर अगर जैसा इन्होंने अभी बताया हमारे सहयोगी ने कि ये भी बातें सामने आ रही हैं कि सीसीटीवी कैमरे के पीछे से इमला बोला गया, यानी जाहिर है कि अगर दूसरा कोई कैमरा नहीं रहा होगा जो उन्हें मॉनिटर करे, वॉइस रिकॉर्डर नहीं रहा होगा, तो एक तरफ यूपी बोर्ड जैसी परीक्षा में इतना तामझाम, इतनी व्यवस्था, और दूसरी तरफ जहां बात सीधे रोजगार की, सरकारी नौकरी की है, उन लोगों की नौकरी जो आगे चल के देश के भविष्य को तैयार करेंगे, उन बच्चों को पढ़ाएंगे, वहां पर तैयारी कहां चली जाती है कि इतने आराम से पेपर भी लीक हो जाए, नकल भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो सवाल तो उठते हैं मंशा पर सबसे पहले कि आखिर क्या मंशा साफ नहीं है जो लोग परीक्षा कराते हैं? अधिकारियों पर सख्त होना होगा अब कहीं ना कहीं सरकार को और ज्यादा। और कल हमने इस बारे में जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य से बात की तो उन्होंने भी एक बात कही, बहुत बड़ी बात है वो आस्था। उन्होंने कहा कि 3 साल का वक्त दिया है सरकार ने अधिकारियों को और जो अधिकारी अभी भी नहीं सुधरे वो दंड के अधिकारी होंगे, पद के नहीं। लेकिन अब देखना यह है कि बयान तो इस तरह के बहुत आते हैं बड़े बड़े, लेकिन वाकई इन पर अमल होगा या नहीं, कितने लोग होंगे जो इस लापरवाही में शामिल है, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं होता है जब तक लापरवाही ना हो या फिर जानबूझकर कुछ गड़बड़ ना कराया जाए। बिल्कुल, और महकमे में बैठे हुए लोग और सिर्फ लोग नहीं बड़े अधिकारी भी जब तक कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचार या फिर गड़बड़ झालों में किसी प्लान में हिस्सा नहीं बने होंगे, इतने बड़े पैमाने पर फर्जीगिरी संभव नहीं है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि अब इन अधिकारियों पर दंड का समय आ गया है, इनकी जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। और आप बता भी रहे कि डिप्टी सीएम ने इस बात को कहा भी है कि 3 साल का वक्त दिया गया है, सुधर जाओ नहीं तो फिर सख्त कार्रवाई होगी, बड़ा संदेश। लेकिन आज की बड़ी खबर यही कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आखिर क्या फैसला देती है। दोपहर करीब 12 बजे फैसला पड़े जाने की उम्मीद है, लेकिन आपको एक बार फिर से प्रयागराज लिए चलते हैं। मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, प्रयागराज एक ऐसी जगह जहां से पता चला था पुलिस को कि कैसे चीटिंग करवाई गई, पेपर लीक करवाया गया और जो टॉपर था उसको भी जेल भेज दिया गया है, किस तरह से पुलिस पहुंची और अब इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, किस तरह के लोग इसकी जद में आ रहे हैं, इसकी जड़ें कहां तक जाती दिखाई दे रही हैं फिलहाल?
देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई वो इन्वेस्टिगेशन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने की, प्रयागराज पुलिस ने की, लेकिन जब मामला उलझता चला गया, इसका दायरा बढ़ता चला गया और लगा कि अकेले प्रयागराज ही नहीं बल्कि 16-17 जिलों तक नेटवर्क इस गिरोह का फैला हुआ है, तब उस मामले की जांच एसटीएफ को दे दी गई। और इसमें तो तमाम ऊंचे पदों पर बैठे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। जो गिरोह का सरगना है वो झांसी में मेडिकल ऑफिसर है, उसका जो सहयोगी है वो प्रयागराज में लेखपाल है, प्रतापगढ़ जिले के एक लेखपाल है का नाम आया है जो फरार चल रहा है। तो तमाम हाई प्रोफाइल लोग हैं और अभी तो कड़ी खुलना शुरू हुई है, अभी कोई आधिकारिक तौर पर बयान तो नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं सूत्रों के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल रैकेट में, इस बड़े रैकेट में तमाम बड़े नाम शामिल हैं, तमाम सफ़ेद पोश शामिल हैं और तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। अगर जांच पारदर्शिता पूर्वक होती है, ईमानदारी से होती है, तो आगे बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ 11 लोग जेल गए हैं, इनमें 2 टॉपर हैं। तो एसटीएफ अभी जो जांच कर रही है उसमें उन सेंटर्स की भूमिका की भी जाँच कर रही है जो मानक के मुताबिक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनको भर्ती परीक्षा का सेंटर बनाया गया। दूसरा, उन टॉपरों को रडार पर रखा गया है जो जिनके टीईटी में कम नंबर थे, हाई स्कूल इंटर या स्नातक में उनके कम नंबर थे, लेकिन इस परीक्षा में उनके ज़्यादा नंबर आए हैं। गिरोह के लोगों के पास से एक डायरी और कुछ और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और उन दस्तावेजों में जिन अभ्यर्थियों के नाम हैं उनमें से ज़्यादातर अभ्यर्थी न सिर्फ पास हुए हैं बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, इनमें कुछ एक ही परिवार के लोग हैं। तो इन सारे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है, इनके बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं और अब जब एसटीएफ को लगेगा कि नहीं इसकी भूमिका संदिग्ध है तो वो उनको हिरासत में लेगी और ज़रूरत पड़ने पर गिरफ्तारी करेगी, उनको जेल भी भेजेगी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि एसटीएफ की जाँच कल से शुरू हुई है, अभी एसटीएफ ने फील्ड पर जाकर काम करना नहीं शुरू किया है, अभी सिर्फ कागजों की पड़ताल की जा रही है और लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। जी हाँ, तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो एसटीएफ से संपर्क कर रहे हैं, जो है इसकी परतें खंगाल रही है और मुमकिन है कोई बड़ा खुलासा इस मामले में हमें देखने को मिले। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है, डिप्टी सीएम है, उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को संदेश दे दिया है कि या तो वो सुधर जाएं और नहीं तो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। आप दोनों उस पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आज की बड़ी खबर, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आखिर क्या फैसला देती है शिक्षक भर्ती पर, हमारी नजर इस पर बनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।